जंतर मंतर पे मौजूद कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव से हमारे ब्यूरो चीफ कपिल गौड़ ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। कैप्टन अजय यादव मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जंतर मंतर पर आज वो आए हैं, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। कैप्टन साहब, क्या आज की रणनीति रही है, आज इतने सारे लोग, इतने सारे नेता यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं? हमारे तेलंगाना से हमारे अध्यक्ष हैं ओबीसी के गौड़ा जी, और हमारा मैं एक तो धन्यवाद करूंगा जितने हमारे ओबीसी के तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यू नो, और उड़ीसा और हरियाणा, पंजाब, सब जगह से हमारे कार्यकर्ता करीबन 7-8 हज़ार कार्यकर्ता आए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि बैरिकेडिंग की वजह से यहाँ पर लोगों को आने नहीं दिया। देखिए, आज मुद्दा है हमारी नेता का, उनके साथ उनको अपमानित किया जा रहा है। ईडी का काम है केवल डॉक्यूमेंटेशन का, उनका काम ग्रिलिंग का नहीं है, उनका काम कोई इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। लेकिन 4 दिन हो गए, यहाँ चौथी बार उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हरासमेंट है। और एक भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा कि राहुल गांधी जी का बाल भी बांका हो। इस बात के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। दूसरा मुद्दा है अग्निपथ का। देखिए, मैं आर्मी में रहा हूँ, 1.5 साल ट्रेनिंग मैंने की है, 1 साल की हमारी जवानों की ट्रेनिंग होती है। ये 4 साल नौकरी दे रहे हैं, उसमें से 6 महीने उनको उनके कोहनी फुड़वाएंगे, उनके गोड़े फुड़वाएंगे, फिर 3.5 साल बाद बोल देंगे आप घर चले जाइए। अब कह रहे हैं कि हम बीजेपी के दफ्तर में उनको नौकरी देंगे। हाँ, आप बताइए कहाँ नौकरी देंगे उनको? PSUs इन्होंने बेच दिए हैं, आपकी फैक्ट्रियों में लोग लेते नहीं हैं। 3.5 साल के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 1 रैंक 1 पेंशन का सबसे पहले रैली कहाँ की थी? रेवाड़ी में की थी। अब कह रहे हैं हमारे लिए बोझ बन गया है। जो 15 साल की नौकरी है उसको 4 पे लेके आ रहे हैं ताकि 9 रैंक 9 पेंशन रहे। तो हमारा मुद्दा ये है जो यूथ है हमारे यहाँ लड़ते शौर्य के लिए, लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर, हमारे हरियाणा के लोग अपनी शहादत देते हैं, उनको ये खैरात नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए कि उनको पेंशन मिले बाद में, फिर कहीं वो नौकरी कर सकते हहैं। अब ये लोग जो है ये किए, अभी 3% कर रहे हैं, इसको और बढ़ाना चाहेंगे। तो यूथ इस, ये जो एजिटेशन है ये पूरे देश में, बिहार में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह ये एजिटेशन चल रहा है। तो हम लोग उनसे मॉरली उनके साथ हैं और हम चाहते हैं इसको रोल बैक करें। क्योंकि आप हरियाणा के एक बड़े दिग्गज नेता भी हैं, अहिरवाल बेल्ट की में आपकी अच्छी खासी पकड़ भी है। हरियाणा में जहां सबसे ज़्यादा युवा जो है वो आर्मी के लिए भर्ती होते हैं, हमने देखा किस प्रकार से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल में किस प्रकार से आक्रोश है, वो आगजनी में, तोड़फोड़ में तब्दील होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आगजनी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो यूथ है, यूथ जो है वो उसमें इतना आक्रोश है, उसमें इतना गुस्सा है। हम उनसे कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है ना। जो वो कार्य कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि वो तोड़फोड़, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी अपनी है। मैं चाहता हूँ शांतिपूर्ण करें, आंदोलन करें, सरकार को और इस जो भर्ती में उसका बायकॉट करें। ये तो एक तरीके से जो ट्रेंड हमारे जवान होंगे, जब वो बाहर जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो जाएगी। आज एक डेलीगेशन कांग्रेस का राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या बातचीत हो? बातचीत ये हुई है कि किस तरीके से हमें रोका गया, हमारे लोगों को AICC के अंदर रोक दिया। रात को लोग हमारे AICC में रुके थे और मेरे को जो है जबरदस्ती मुख्यमंत्री के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। एक अपने MP को AICC के दफ्तर से बाहर निकाल के उसको जो है अपमानित किया जा रहा है। तो ये जो अपमान है और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ जो है, और जिस तरीके से ED जो है पेश आ रही है, जिस तरीके से अग्निपथ जो स्कीम लेके आए हैं, जिस तरीके से ये जो पुलिस राज हो गया है, उन सब के खिलाफ, और ख़ास तौर पे जो आज इन्होंने यहाँ पर जो बैरिकेडिंग करी है, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया, उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया जा रहा है। तो हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं के साथ में सत्ता सरकार जो है ज़बरदस्ती कर रही है, और जिसको लेकर के आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, जगरण 24 न्यूज़, दिल्ली।